स्टार्ट कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। एंड मेरा नाम अनीता है। आज मैं इस अपॉर्चुनिटी में आज आपके सामने बात कर रही हूँ, तो इसलिए सबसे पहले मैं गॉड को बहुत थैंक्स पे करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने आज मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं आज आपके सामने अपने लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट जर्नी को आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो इसलिए मैं गॉड को बहुत थैंक्स पे करना चाहूँगी कि आज उन्होंने मुझे इतना बड़ा सौभाग्य दिया कि मैं इतने बड़े नेशनल पैनल पे आज बोल पा रही हूँ। एंड आज मैं जिस भी पोजीशन पे हूँ, आज हमारी फैमिली जिस भी पोजीशन पे है, उसका मेन कारण है सेफ शॉप और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि इसने हमारी लाइफ को किस तरीके से बदल के रखा हुआ है। इसके मैं कुछ लाइव एग्जाम्पल और कुछ फिगर फैक्ट आपके सामने दिखाना चाहूंगी कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में आई है और हमारी लाइफ इसकी वजह से कैसे चेंज हो गई है। एंड मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर नरसिंह गिरिवाल सर को मैं बहुत बहुत थैंक्स पे करना चाहूंगी, क्योंकि हमारी फैमिली में जैसे कहते हैं ना, भगवान हर जगह मौजूद नहीं हो पाते हैं, तो किसी ना किसी माध्यम को आपकी लाइफ में भेजते हैं। तो वो माध्यम जब मैं सर से पहली बार मिली थी, तो मुझे जेन्युइनली लगा था कि वो हमारी लाइफ में एक गॉड से बड़ा रूप है हमारी लाइफ में, क्योंकि जिस तरीके से वो मेरे फादर जी की लाइफ में आए थे, हमारे फादर की पूरी लाइफ चेंज हो गई। एंड आज वो मेरी लाइफ में आकर के मुझे जिस तरीके से गाइड करके लेके जा रहे हैं, आज मेरी पूरी लाइफ जहाँ थी वहाँ से पूरी अलग हो चुकी है। तो वो लाइफ क्या है मैं आपके सामने ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, लेकिन शेयर करने से पहले मैं अपनी लाइफ में बहुत लोगों को बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि वो मेरी लाइफ में आए, उनसे मुझे कई सारी चीज़ें सीखने का मौका मिला। जैसे हमारे अल्टीमेट अचीवर्स के जितने भी लीडर्स हैं, सुनहरी लाल सर, देवेंद्र शर्मा सर, टिकेंद्र सर, हरिशंकर सर, योगेश यादव सर, पवन यादव सर, रामकृष्ण सर एंड राजवंश नागल सर, तो इन सब के लिए मैं बहुत थैंक्स पे करना चाहूँगी, क्योंकि इनसे जितनी बार भी मैं मिलती हूँ मुझे कई बार नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। और इनके अंदर जितनी भी क्वालिटीज़ हैं उनसे हर बार मैं जितनी बार मिलूँगी हर एक बार नई नई चीज़ सीखने का मौका मिलता है। और मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगी एनसी विश्वास सर का, जिन्होंने मेरी ड्रीम को एक अलग लेवल तक पहुँचाने में एक बहुत बड़ा हाथ रहा है इनका। एंड बहुत सारे लीडर्स की थैंकफुल हूँ, जैसे माधव सर, विजय पाल सर, विकास यादव सर, इन सबकी मैं ज़्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि इन सबसे मिलने का कभी, जब सेफ शॉप में मेरी जर्नी चल रही थी, ट्रेनिंग सेशन था, तो इन सबसे मैं पैनल पे सीखा करती थी, लेकिन जब लाइवली इनसे मिलने का मौका मिला तो इनका जो सिस्टम के प्रति डेडिकेशन है, अपने अपलाइन के प्रति जो डेडिकेशन है, इसको देख करके मेरा जो सिस्टम को लेके जो एटीट्यूड था या सिस्टम को लेकर के मेरा जितना भी व्यवहार था वो इतना स्ट्रांग हो गया कि आज मैं इस सिस्टम को जितना भी टाइम डेडिकेट करती हूँ मेरे को बहुत कम लगता है। एंड स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहूँगी कपिल सर को, नवल सर को, क्योंकि इन सबसे मुझे हर दिन एक एक चीज़ जब भी इनसे मिलती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि मेरी लाइफ की हर एक जर्नी में मुझे एक एक चैप्टर ऐसे मिलते हैं जिसमें मुझे हर चीज़ न्यू लगती है। मैं भले ही आज जो भी कुछ पढ़ के आई हूँ, लेकिन उसकी वजह से जितने भी लीडर से मिलती हूँ उन सबसे मुझे एक हर एक दिन ऐसा लगता है मेरी चैप्टर में न्यू स्टोरी लिखी जा रही है। एंड मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगी मिस्टर पीआर चौधरी सर को, क्योंकि इन्होंने मुझे जितनी गाइडेंस दी है, जिस तरीके से इन्होंने मुझे सिखाया है सिस्टम के प्रति आपको कैसे डेडिकेटेड रहना चाहिए, इनसे मुझे कई सारी चीज़ें सीखने को मिली। थैंक यू सो मच सर। एंड ऐसे ही कई सारे लीडर्स हैं जो सिस्टम के प्रति इनका डेडिकेशन एंड सिस्टम के प्रति एंड अपलाइन के प्रति इनका जो लगन है, उससे देख करके मुझे कई सारी चीज़ें सीखने को मिली। जैसे इंद्रपाल सर को मैं बहुत थैंक्स पे करना चाहूँगी, निहाल सर एंड शमशेर सर को मैं बहुत थैंक्स पे करना चाहूँगी, थैंक यू सो मच सर। एंड ऐसे ही अनमोल कुमार झा सर एंड आशीष सर से मुझे मिलने का मौका मिला था, इनका जो सिस्टम को लेकर के एंड वर्क को लेकर के, इनके जो वर्क एथिक्स हैं, इन सब से मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। इस सिस्टम में मैं नहीं हूँ एंड इसमें हर एक जगह पे मेरे को हर एक चीज़ नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं एंड उसको जिस तरीके से मैं ग्रैब करती हूँ, एंड इन सब लीडर्स की वजह से आज मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ। एंड उमेश यादव सर को मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगी कि सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे एज अ सिस्टर आपने मुझे गाइडेंस दे करके इतने आगे तक मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। एंड योगेश यादव सर का मैं बहुत थैंक्स पे करना चाहूँगी, थैंक यू सो मच सर।
एंड हमारी पूरी फैमिली आप सभी को सेफ शॉप के सिस्टम में बहुत दिल से वेलकम करती है। एंड आप सभी को जो चीज़ मैं बताने जा रही हूँ, ये आज आपके लिए एक बहुत बड़ा लाइव एग्जांपल है कि सिस्टम में कितनी पावर है। भले ही आज आपको वो चीज़ नहीं दिखेगी, लेकिन उसका कितना बड़ा इम्प्रेशन हमारी लाइफ में पड़ा है, इससे आपकी लाइफ में कहाँ तक चेंजेस आ सकते हैं, उसका एक लाइव एग्जाम्पल हूँ। एंड जब मुझे सेफ शॉप का ये प्लान मेरे पापा को पहली बार देखने का, ये मेरे फादर हैं एंड मेरी मदर हैं एंड जो ये छोटे से मेरे मैं और मेरे भैया हैं, एंड जब मेरे पापा को जब पहली बार सेफ शॉप का प्लान आगरा में देखने को मिला था, तब हमें लगा ही नहीं था कि ये एक छोटा सा एक छोटे से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के पैकेज ने हमारे पूरे लाइफ को कैसे लेकर के कहाँ तक पहुँचा देगा, हमें पता भी नहीं था इस बात को। एंड मेरे पापा ने सेफ शॉप में, मेरा हमेशा ऐसा मानना है कि मेरे पापा ने जब सेफ शॉप को ज्वाइन किया था तो उनके लाइफ के दो बेस्ट स्ट्रॉन्ग डिसीजन है। जब उन्होंने नरसिंह गिरेवाल सर के माध्यम से जब सेफ शॉप का प्लान देखने को मिला था, तो उस प्लान को देखने के बाद उन्होंने उसमें ज्वाइन करने के लिए अपनी उंगली ने हाँ में हिला करके ना में ना हिलाई। इस एक डिसीजन ने आज हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, हमारे करियर को सुधारा, हमारे करियर को इतनी ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं। एंड तब मुझे आइडिया भी नहीं था कि मेरी लाइफ ऐसे चेंज हो सकती है। एंड ये मेरे फादर हैं, एज अ नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से सर्वाइव करने के लिए मिलिट्री में गए थे। इनके हमारे फैमिली में इतने थे कि बोलते हैं ना, गरीबी को बहुत पास से देखना, हमने गरीबी को उतने पास से देखा है। जब भी हम छुट्टियों पे आते थे तो इवन हमारे घर सामने से अच्छा रहता था, पीछे से दीवार नहीं होती थी हमारे घर के, एंड बारिश में पूरा पानी टपकता था। तो मेरे फादर जी ने वो सब अपनी लाइफ में इतना देखा है कि उन्हें दो टाइम का खाना ढंग से मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। तो लाइफ को, स्ट्रगल को फेस करने के लिए, अपनी लाइफ के स्टेटस को चेंज करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए मिलिट्री में गए थे मेरे पापा। एंड ये मेरी मम्मी हैं, तो मिलिट्री में हर जगह मम्मी उनके साथ रही थी ताकि उनको हर जगह सपोर्ट मिले। एंड वहीं पे आगरा में जब हम लोग पहली बार ताजमहल विजिट करने गए थे, तो आगरा में विजिट करते समय ही हमारे घर के बगल में नरसिंह गिरिवाल सर रहते थे। उन्होंने जैसे सबको प्लान दिखाते, मेरे पापा को भी उन्होंने प्लान दिखाया। तो मेरे पापा ने उस प्लान को देखने के बाद उस सिस्टम में ज्वाइन होने का सबसे बड़ा डिसीजन लिया। एंड उस डिसीजन की वजह से, एंड दूसरा उनका स्ट्रांग डिसीजन था कि इस सिस्टम को सीख के करना, तो उस डिसीजन ने हमारी लाइफ को नॉर्मल लाइफ से कितने बड़े जगह पे लेके गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। हम दो छोटे बच्चे हैं, ताजमहल जब हम पहली बार विजिट करने गए थे तब की फोटोग्राफ्स हैं। एंड सेफ शॉप में आने के बाद मेरे पापा ने पहला घर बनाया, पहली बाइक ली, एंड ये जो घर है अभी दो मंजिल हो चुका है। एंड उन्होंने दूसरा घर बनाया सेफ शॉप में आने के बाद, जो अभी तीन मंजिल का है, एंड इसकी टोटल वर्थ वैल्यू आप देखेंगे तो 3 करोड़ है। एंड मेरे पापा ने अपनी पहली कार ली थी, एंड अभी जो ये घर है कंस्ट्रक्शन पे है, एंड इसकी बिना आधे कंस्ट्रक्शन पे इसकी टोटल वैल्यू देखेंगे तो 3 करोड़ है। एंड इसमें मेरे पापा ने कई सारे लैंड्स लिए हैं, प्लॉट्स लिए हैं, जिसमें एक एक प्लॉट की कीमत 60 लाख से ऊपर है। एंड ये सब सेफ शॉप की पावर है। लेकिन इतने सारे जगह पे हमारी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी, मेरे पापा ने हमको बहुत अच्छे से पढ़ाया। मैं बीटेक इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रखा है, बीटेक इंजीनियरिंग ई पब्लिशिंग एंड फैशन डिजाइनिंग मैंने कंप्लीट कर रखा है। इतनी सारी डिग्री होने के बावजूद भी मैं एक साधारण सी जॉब कर रही थी, एंड मेरे पापा ने इस अपॉर्चुनिटी के बारे में हमें बताया नहीं था, डिस्कस नहीं किया था, और मैंने कभी उसको जानने की कोशिश भी नहीं की थी। लेकिन कोरोना पीरियड में 15 जुलाई 2020 को हेल्थ इशू की वजह से मेरे पापा हमारे बीच नहीं रहे, एंड वो चले गए। एक्चुअल में हमें छोड़ के चले गए। उस समय हमें समझ में ही नहीं आ रहा था हमें करना क्या है करके। तब उस समय हमें नर्सिंग, जब उन्होंने हमें अपनी आईडी दी थी, मैं इस आईडी के बारे में भी आपको बताना चाहूँगी। जब मैंने इस सेफ शॉप में ज्वाइन किया था तब मुझे ये पता ही नहीं था कि आईडी रिन्यूअल कैसे करवाते, क्योंकि मेरे पापा ने कभी इसके बारे में मुझे डिस्कस ही नहीं किया था। एंड उन्होंने, मैंने इसको कभी जानने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि यूजुअली हम लोग यंग जनरेशन क्या करते हैं, हम लोग जो कर रहे हैं वही बेटर है, वही परफेक्ट है करके हम लोग सोच लेते हैं। लेकिन उससे हमारा लाइफ नहीं आगे बढ़ेगा ये हमको पता नहीं होता है।
लेकिन जब इस आईडी के बारे में जब मेरे को पता चला कि पापा ऐसा बिजनेस करते थे, जब उनके आईटीआर वगैरह हम लोग क्लोज कर रहे थे, तब मुझे इस बिजनेस के बारे में पता चला। तो धीरे धीरे इसको जानने के लिए मैंने बहुत कोशिश की। एंड इसी माध्यम से जब नरसिंह गिरेवाल सर का 1 करोड़ का चेक बना था, तो सर से मेरा दोबारा कांटेक्ट हुआ था। तो कांटेक्ट होने के बाद सर से मैंने हर चीज सीखी, तब मैंने इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया और इसको मैंने पूरी तरीके से डेडिकेशन से मैंने सीखने में अपनी पूरी जान लगाई। एंड उसको सिखाने में ममता मैम का मेरा बहुत हाथ था एंड पीआर चौधरी सर का बहुत हाथ था उसमें, सिस्टम में मेरे को सिखाने के लिए। तो जब मेरे पापा ने हमें ये आईडी दी थी, वो आईडी थी क्राउन लेवल पे, एंड उस क्राउन लेवल को मेरे भैया और मैंने टेक ओवर किया। अपनी जॉब को रिजाइन करके मैं इस सिस्टम में पूरी तरीके से जुड़ गई। मुझे नहीं पता था कि आगे मेरा फ्यूचर क्या होगा या आगे मेरे फ्यूचर में मैं कहाँ तक जाऊंगी, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। बस इतना पता था कि मेरे पापा की लाइफ यहाँ से यहाँ पहुंच गई है, तो मेरी लाइफ भी एग्जैक्टली जो मैं जॉब कर रही हूँ उससे मुझे लाइफ टाइम जो मुझे ड्रीम कंप्लीट करने वो कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। लेकिन मेरे पापा के जितने भी ड्रीम कंप्लीट हो पाए हैं, उस एक ड्रीम ने मेरे को अपने डिसीजन को स्ट्रांग बना दिया और मैंने अपनी जॉब को क्विट करके इसमें फुल टाइम मेरे पापा के पूरे बिजनेस को टेक ओवर कर लिया। एंड उस टेक ओवर करने में ऐसा नहीं है कि पूरा मैं उस बिजनेस को सीख रही हूँ, हर जगह जा रही हूँ, एंड मेरे ड्रीम्स इसमें कैसे कंप्लीट हुए वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये मेरे भैया हैं, इन्होंने बीएससी बीएड एमबीए कर रखा है, ये भी सिस्टम में काम कर रहे हैं मेरे साथ। एंड मेरे को इन दो दिग्गज लीडर को आप सभी जानते होंगे, लीडर्स नहीं कहूंगी, ये बहुत बड़ी ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जो आज पूरे इंडिया में फेमस है। धीरू भाई अंबानी को आप जानते हैं, इनके एक डिसीजन ने इनकी फैमिली में पूरी गरीबी मिटा दी थी और इनके आगे वाले जनरेशन में इन्होंने पूरी ऐसी लाइफस्टाइल दे दी कि उनकी पूरी फैमिली आज हाई लेवल तक जाती है। मुकेश अंबानी को आप जानते हैं, वो उनकी लाइफस्टाइल क्या है आप सभी को पता है। तो मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे पापा के एक डिसीजन ने हमारी फैमिली के धीरू भाई अंबानी होने का काम किया। मेरे पापा ने हमारी लाइफ से पूरी गरीबी हटा दी, हमारी जो लाइफ आज है और उस लाइफ को आज हम लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे, ऐसी लाइफ हमारी हो गई है। और मैं अपनी फैमिली की मुकेश अंबानी बन के दिखाना चाहती हूँ, कैसे जैसे मेरे पापा हमारे लिए एक विरासत छोड़ के गए हैं, क्राउन की आईडी, मैं उस क्राउन आईडी को, उस विरासत को डबल ट्रिपल लेवल तक ऊपर पहुंचाना चाहती हूँ। जिस तरीके से धीरू भाई अंबानी ने जो विरासत मुकेश अंबानी को दी थी वो आज उसको डबल कर करके लेके गए हैं। तो अपने पापा की दी हुई विरासत को मैं डबल करके उसको और ऊपर पहुंचाना चाहती हूँ, उनके नाम को एक अलग दर्जे पे दर्ज करवाना चाहती हूँ सेफ शॉप में। इस चीज ने मेरे को सेफ शॉप में पूरा डेडिकेशन दिया है, तो ये मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है। और सबको ये डाउट रहता है कि सेफ शॉप में ज्वाइन होने के बाद, मेरे पापा आज हमारे साथ नहीं है, हेड ऑफ द फैमिली नहीं है, डाउट होगा सभी लोगों को, आज भी हमारे घर में चेक आ रहे हैं या नहीं है, एंड सेफ शॉप सभी को वो चेक देती है या नहीं है, सिर्फ 3 जनरेशन सिक्योरिटी सिर्फ बोलने के लिए है। ये उसका बकायदा प्रूफ है कि आज भी हमें लाइवली चेक आते हैं, और ये 29/4 एंड 2022 का एक चेक है जो हमें मिला था, जो 4 लाख का है चेक। तो हमारे पापा के नहीं होने पर भी आज भी हमारे घर में सेफ शॉप और सिस्टम के द्वारा आज भी हमें चेक आ रहे हैं। एंड ये एक छोटा सा टीडीएस सर्टिफिकेट है, मैं इसको बहुत बड़ा है हमारी लाइफ में, और ये छोटा सा प्रूफ है आपके लिए। ये 26AAS गवर्नमेंट वेबसाइट से टीडीएस फॉर्म निकलता है, आईटीआर फॉर्म है। तो ये कोरोना पीरियड में 2021-2020 से हमें जो इनकम मिली है मेरे पापा के नहीं होने के बाद, ये है 66,42,643। जब कोरोना पीरियड में सब लोग स्ट्रगल कर रहे थे कि हम कैसे सरवाइव करेंगे, या क्योंकि उन्हें पता था क्योंकि हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ था, उस टाइम पे भी हमें इनकम मिल रही थी, हम लोग अपनी लाइफ में इजीली सरवाइव कर पा रहे थे, हमें सब कुछ मिल रहा था, हमें ऐसा नहीं था कि हमें पैसे की कमी हो रखी है, हम उसको नहीं कर सकते या कुछ खरीद नहीं सकते। तो ये हमें कोरोना पीरियड में हमें ये इनकम मिली थी। एंड इसी दौरान मैंने एक बहुत बड़ा सपना अपने पेरेंट्स का कंप्लीट किया था, एंड वो ज्यादा कुछ नहीं, एक BMW X5 सीरीज कार हमने ली थी। इसकी टोटल वर्थ वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, एंड इस
कार को लेने का एक बहुत बड़ा रीजन था जो मैं आपको बताना चाहूंगी। ये कार हमने बिना लोन के ली है एंड पूरी कैश में दे करके। और जब इस कार को जब मैंने बुक करवाया था तो मुझे उस टाइम पे पता नहीं था ये मेरे पेरेंट्स का ड्रीम है कभी। लेकिन बुक करवाने के जब बाद आया तब मेरे भैया ने बताया था कि ये कार जो है मेरे पापा ने कभी मेरे भैया को बताया था कि उनको कोई बड़ी कार चाहिए। उन्होंने बताया था कि हमारे घर के आंगन में ऐसे बड़ी कार चाहिए करके, लेकिन वो ड्रीम वो कभी कंप्लीट नहीं कर पाए। और उनको वो डिसीजन या वो थॉट सोचने का भी उनको हिम्मत नहीं थी कि हाँ हमारे घर में भी इतनी बड़ी कार आ सकती है करके। लेकिन इस थॉट को लाने के लिए मैं पीआर चौधरी सर का बहुत थैंक यू पे करूंगी कि सर की सर ने हमें बोला कि हाँ आपके द्वारा हो सकता है। एंड हमने ये बहुत बड़ा कार लेने का डिसीजन लिया। एंड आज हमारे पास मेरे फादर के नहीं होने के बावजूद भी आज हम लोग कोरोना पीरियड में ही 1 करोड़ की कार ले पाए हैं। इसका मेन कारण है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और सेफ शॉप। और सबसे ज्यादा खुशी वहां पे तब हुई थी वो की जब हमने मेरे ग्रेट अपलायन मिस्टर नरसिंह गिरेवाल सर के हाथ से जब वो हमने की ली थी तो हमारी खुशी डबल हो गई थी। क्योंकि उनके बारे में हमने जितना अपने पेरेंट्स से सुना था उनको लाइवली जब देखा ना तो हमारे लिए ऐसा लगा था कि जैसे बस भगवान को हमने मिल लिया, इससे ज्यादा हमें कुछ और चाहिए ही नहीं, ऐसा हो गया था हमको। तो इतना बड़ा सक्सेस हम ले पा रहे, इतनी बड़ी डिसीजन हम ले पा रहे, वो भी कोरोना पीरियड में जब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि हाँ हम लोग कैसे रहेंगे करके। तो ये उस कार को हमने जब खरीदा था उसका तो मेरी मम्मी बहुत खुश थी। तो मेरे पापा का मैंने जब ये ड्रीम कंप्लीट किया तो मुझे सबसे ज्यादा उस टाइम मुझे पता ही नहीं था कि मैं अपने पापा के ड्रीम कंप्लीट कर रही हूँ। बस कार लिया था क्योंकि हमें लेना था, ऐसे एक डिसीजन था, हम लोग जैगुआर कार लेने के लिए जा रहे थे। तब मेरे को भैया ने बताया कि हाँ BMW ऐसे ड्रीम था, तब हमने BMW लेने का प्लान किया था। और ये BMW हमने जो कलर डिसाइड किया था, मेरी मम्मी को कलर जो पसंद था वो एक्चुअल में हमें चेन्नई में मिला ही नहीं, और तो हमने डायरेक्ट दिल्ली के गुड़गांव में जाकर के ये वाला कलर जो हमें चाहिए था तो मम्मी के फेवरेट कलर का हमने वहां पे जाकर के बुक करवा के लिया। एंड इस कार को लेते समय मेरी मम्मी के चेहरे पे जो खुशी थी वो एक्चुअल में सबसे ज्यादा मुझे प्राउड फील करवा रही थी। उस समय मैं मम्मी को बोल ही नहीं पा रही थी कि मम्मी मुझे कितना प्राउड फील हो रहा है आपके चेहरे पे खुशी देख करके, क्योंकि जो मेरे पापा की कमी है वो मैं कभी पूरी नहीं कर सकती, और इनफैक्ट मैं कभी पूरी भी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि उनकी जगह जो है वो दुनिया में कोई भी बच्चे वो कभी ले ही नहीं सकते, पेरेंट्स की जो जगह। लेकिन अपनी मम्मी को जितना खुश रख पाऊंगी या उनके चेहरे पे जितनी खुशी लेकर के आ पाऊंगी वो मेरे सबसे बड़ी खुशी की बात होगी और सबसे प्राउड फील होगा उस टाइम पे। और जेन्युइनली उस टाइम पे मुझे प्राउड फील हुआ। एंड मेरी मम्मी है ये, इनका जो है नॉर्मल हाउसवाइफ है ये। एंड जैसे हर लेडीज होती हैं, हर लेडीज फैमिली में उनके ड्रीम्स हमेशा दबके रह जाते हैं, उनके ड्रीम्स कभी उभर के बाहर आ ही नहीं पाते। तो मेरी उन सभी हाउसवाइफ में से मेरी मम्मी भी एक हाउसवाइफ हैं जिनके ड्रीम कभी बाहर आए नहीं, उन्होंने कभी जिक्र ही नहीं किया कि उनके क्या सपने हैं, उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना है, उन्हें क्या चाहिए, हमेशा जो फैमिली बच्चों के बीच में ही रह गई वो। जब सेफ शॉप में हम लोग ने गाड़ी बुक की थी तो मम्मी ने बताया कि आप लोग इतनी बार फ्लाइट में जाते हो, मेरे को भी जाना था कभी, पापा भी जाके आ गए लेकिन मैं कभी नहीं जा पाई। तो इनडायरेक्टली मुझे इंडिकेशन मिला कि मम्मी को भी एक बार हमें फ्लाइट में लेके जाना चाहिए ऐसे करके। तो मम्मी को हम लोग पहली बार फ्लाइट में लेकर के गए थे, दिल्ली में कार में बुकिंग करवाई थी तो कार का हम लोग लेके आने के लिए हम लोग मम्मी को फ्लाइट में लेकर गए थे। तो उनकी आंखों में आंसू था एक्चुअली, उन्होंने बस इतनी बात कही थी मेरे से कि आज आपके पापा मेरे साथ नहीं है लेकिन उनके नहीं होने के बावजूद भी आप बच्चे मेरे ड्रीम को कंप्लीट कर रहे हैं, इस बात से मुझे बहुत खुशी है और बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि आज आपके पापा के नहीं होने के बावजूद भी आप अपने पेरेंट्स के ड्रीम कंप्लीट करवा पा रहे हैं। एंड ये मैं हूँ। एंड मेरे कई सारे ड्रीम्स थे कई सारे ड्रीम्स थे कि अनीता आपको अपनी लाइफ में बहुत बड़ा करना है, आपको बहुत सक्सेस कमाना है, अपनी एक अलग पहचान बनानी है, अपने करियर में अपना एक नाम दर्ज करना है। लेकिन कभी भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला क्योंकि लड़कियों को प्लेटफॉर्म मिलता ही नहीं है, उन्हें वो प्लेटफॉर्म दिया ही नहीं जाता, उन्हें हमेशा ऐसा रिस्ट्रिक्शन में रखा जाता है कि आपको हमेशा यहाँ रहना है,
आपको हर उनके लिए हर दायरे एकदम लिमिटेड होते हैं। आपको इतनी एज के बाद ये नहीं करना है, आपको घर से बाहर नहीं जाना है, आपको 10 बजे के बाद घर के अंदर आ जाना है। लड़कियों की लिमिटेशंस होती हैं, आप लड़कों की तरह बाहर नहीं जा सकती, आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आप नहीं कर सकती क्योंकि आपके लिए वो बने ही नहीं है, आप अलग अलग लोगों से जाके कैसे मिलेंगे। ऐसे हर सवाल मिले थे मेरे को जब मैंने शुरू किया था। लेकिन जब मैं सेफ शॉप में एंटर हुई और मैंने सेफ शॉप को जब सीखना शुरू किया, तब मुझे लगा सेफ शॉप एक ऐसा सिक्योर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लड़कियाँ, हाउसवाइफ, जितनी भी लेडीज हैं वहाँ पे सेफली और सिक्योरली अपने करियर को बिल्ड कर सकती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। एंड मैं अपनी लाइफ में कभी भी एयरपोर्ट में या प्लेन में कभी गई नहीं थी। ड्रीम थे बहुत बड़े बड़े कि अनीता आपको ये करना है, आपको वो करना है, लेकिन माध्यम नहीं था मेरे पास। और नॉर्मल जॉब करता हुआ पर्सन कितनी बार फ्लाइट में जा पाएगा, ये सबको आइडिया है। यहाँ पे जितने भी लोग होंगे या जितने भी पर्सन जॉब कर रहे हैं, उन सबको पता है कि अगर वो चाहेंगे भी तो फ्लाइट में नहीं जा पाएंगे। तो वैसे ही मेरी हालत थी क्योंकि मुझे पता था फ्लाइट में जाना है, अपना अलग पहचान करना है, लेकिन एक जॉब करके मैं नहीं कर सकती थी वो। लेकिन सेफ शॉप की वजह से मुझे पहली बार फ्लाइट में बैठने का मौका मिला और इसके बदौलत इतना बड़ा हो गया कि पिछले 3 4 महीने, 5 महीने होने को आ गए, आई थिंक 6 महीने से मैं फ्लाइट्स में ही घूम रही हूँ। जहाँ एक बार बैठने के लिए मैं इतना तरस रही थी, वहां पे पिछले 3 6 महीने, 4 महीने से मैं फ्लाइट्स में ही घूम रही हूँ। एंड ये भी था हमारा ड्रीम कि कभी आईफोन लेना है, हमें आईफोन प्रोडक्ट लेने हैं, क्योंकि ये सब हम देखते हैं, सभी जितने भी लोग होते हैं उनके हाथ में जब आईफोन्स वगैरह देखते हैं ना तो बोलते हैं हाँ हमारे पास भी ये होना चाहिए, ऐसे करके ड्रीम था। लेकिन जैसे ही आईफोन्स का वेबसाइट पे खोल करके उसका रेट देखो तो बोलते हैं ये हमारे बजट से बाहर है। लेकिन सेफ शॉप की बदौलत, सिस्टम की बदौलत, आज हमारी पूरी फैमिली में आईफोन्स और मैकबुक यूज हो रहे हैं। तो ये सिस्टम की पावर है कि आज मेरे हेड ऑफ द फैमिली नहीं होने के बावजूद भी आज हमारी फैमिली में आईफोन्स ले सकते हैं और हम लोग ले रहे हैं उसको बकायदा। और मेरे पापा ने इसमें सबसे बड़ा चीज क्या था, मेरे पापा ने अपने करियर की शुरुआत की थी साइकिल से, एंड आज हम लोग सेकेंड जनरेशन अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं BMW कार से। ये लेवल है सेफ शॉप का। एंड ये मेरे भैया हैं, एंड मेरे भैया ने अपनी लाइफ में जितना भी पढ़ाई किया, लेकिन उनके डिग्रीज बहुत है, लेकिन उनको कभी भी ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ पे उनको मान सम्मान दिया जाए या उनको बुला के बोला जाए कि आपने बहुत अच्छा काम किया है एंड बहुत प्राउड फील हो रहा है, ऐसे करके उनको कभी नहीं मिला। लेकिन सेफ शॉप की बदौलत आज मेरे भैया को डायरेक्टर सर के और मेरे ग्रेट अपलायंस सर के माध्यम से, डायरेक्टर्स के माध्यम से उनको मान सम्मान दिया जा रहा है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें इनकम मिलती है, सेकेंड जनरेशन सिक्योरिटी भी मिलती है, उसके साथ साथ मान सम्मान भी दिया जाता है। एंड मेरी मम्मी सेफ शॉप की, सिस्टम की, एंड मेरे ग्रेट अपलायंस नरसिंह गिरेवाल सर की बहुत थैंकफुल है क्योंकि उन्होंने एक प्लान ऐसे, नॉर्मली उन सर को प्लान दिखाना बहुत अच्छा लगता था, सर ने ऐसा हमेशा बताया है अपने मीटिंग से, मैंने सुना है ऐसा। एंड उसमें उन्होंने मेरे पापा को प्लान दिखाया, उस प्लान ने आज हमारी लाइफ को इतना बड़ा कर दिया है और इतना खुश कर दिया है कि आज हमें किसी भी चीज को सोचने की, कोई भी चीज लेना होता है तो उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है कि अनीता आप वो ले सकते हो या नहीं, बस डिसाइड किया जा करके वो हम ले लेते हैं। तो ये सेफ शॉप है। एंड मैं अपनी मम्मी को आज भी खुश रखने की बहुत कोशिश कर रही हूँ और मेरी मम्मी बहुत खुश है इस बात को। एंड मेरे स्टेज पे जाके रॉकिंग करने की बात, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में दो चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, एक तो ट्रैवल करना, बहुत ज्यादा इतना ट्रैवल करना है कि बोलते हैं ना लड़कियां ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकती क्योंकि सेफ शॉप में ज्यादा ट्रैवल करने वाली बात होती है, तो मैं ट्रैवल नहीं कर पाऊंगी, ऐसा करके जब मुझे लगा था, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था, मुझे जब पता चला कि सेफ शॉप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रैवल कर सकती हूँ। एंड दूसरा था मुझे बोलने का बहुत शौक है, एंड वो दोनों चीजें मुझे सेफ शॉप में मिल रही है। मैं स्टेज पे आज जा करके टेस्टिमनीज देती हूँ, अपनी लाइफ टेस्टिमनी, एंड हर जगह घूमती हूँ। एंड मेरा बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं और उसमें से मैंने सेलेक्टेड ड्रीम आपके सामने डाले हुए हैं। पूरा वर्ल्ड टूर करना है, वर्ल्ड के एक एक कोने में जाना है मेरे को। एंड एक एक कोने में जा करके अपना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे से कोई भी पूछे अनीता आप यहाँ पे गए तो मेरे मुंह से ना निकलना चाहिए, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए वर्ल्ड के एक एक कोने में जाना है मेरे को। एंड गर्ल UCA सेफ शॉप में पहली लड़की यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर,
अपना नाम दर्ज करवाना है एंड कंपनी के टॉप 5 अचीवर्स में अपने नाम को लेके आना है गर्ल गर्ल पावर में। एंड एशिया में जब भी बड़े नेटवर्कर्स का नाम लिया जाएगा तो इंडिया के नेटवर्किंग में सबसे बड़ा नेटवर्कर अनीता अर्जुनन का होना चाहिए, ऐसा मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है और इस ड्रीम को लेकर के मैं नेटवर्क मार्केटिंग में या सेफ शॉप में पूरी तरीके से डेडिकेटेड हूँ। एंड मैंने अपनी लाइफ में कभी भी 5-स्टार होटल में भी नहीं गई थी क्योंकि मुझे पता है मैं 5-स्टार होटल के आगे से जरूर जाती थी, उसको देख करके ऐसे निहार करके जाती थी कि हाँ ये ना हमारे लायक नहीं है, क्योंकि मैं जॉब कर रही थी तो जॉब करते समय मुझे उसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं होगी जितनी मेरी सैलरी है, और मैं सोचती थी कि ये बड़े लोगों की जगह है, यहाँ पे सिर्फ बड़े लोग ही जा सकते हैं, हम लोग के जाने की जगह नहीं है। एंड सिस्टम और सेफ शॉप की वजह से मुझे 5-स्टार होटल में जाने का मौका मिला एंड आज हमारी पूरी फैमिली में जितने पिछले 4-5 महीने से 6 महीने से मैं पूरा 5-स्टार होटल्स में ही घूम रही हूँ। ये 14-15 मार्च को मैं रमाडा में गई थी मीटिंग के दौरान, वो वहाँ की फोटोग्राफ्स हैं एंड ये फोटोग्राफ्स मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं जहाँ जहाँ गई, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ मुंह से बोल रही हूँ कि मैं यहाँ मीटिंग अटेंड करने गई, मैं वहाँ मीटिंग अटेंड करने गई, बकायदा आपके सामने प्रूफ रख रही हूँ कि जहाँ जहाँ मैं गई ये उस चीज़ का प्रूफ है कि मैं 5-स्टार होटल में ही स्टे करा था मैंने। और 17 मार्च को मैं वेलकम होटल में गई थी जहाँ मैं एक बार 5-स्टार होटल के अंदर जाने की सोच रख रही थी कि मैं नहीं जा सकती, आज सिस्टम और सेफ शॉप की वजह से 4-5 महीने से 6 महीने होने को आ गए हैं, मैं पिछले 6 महीने से पूरा 5-स्टार होटल्स में ही घूम रही हूँ एंड ये मुझे लीला में जाने का मौका मिला था। मेरे फ्रेंड्स हमेशा कहते थे कि अनीता आप, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सब जॉब पे हैं एंड सब 9 बजे से 5 बजे की नौकरी में जाते हैं, और तब मैं जॉब करती थी उन्हीं की तरह थी मैं भी। एंड मेरे फ्रेंड्स ने कहा था जब भी सिस्टम के आगे जाके बैठते थे वो हमेशा बोलते थे कि आपकी लाइफ में हमेशा एक ऐसी जगह आ जानी चाहिए जिसमें आप लाइफ को ऐसा फील हो उस जगह जा करके कि आपको लगे कि हाँ मैंने अपनी लाइफ में पहली बार जन्नत देखा। और जब मैंने 5-स्टार+ कैटेगरी में लीला होटल में पैर रखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि मैंने अपनी लाइफ में जीते जी जन्नत को देखा है, क्योंकि ये उस तरीके की कैटेगरी थी, क्योंकि 5-स्टार होटल नहीं गई थी, 5-स्टार+ कैटेगरी होटल में जब जाने का मौका मिला था तो मैं हैरान होकर देख रही थी, तो सब मुझे ऐसा लग रहा था सब लोग मुझे देख रहे हैं कि ये लड़की ऐसे क्यों देख रही है करके। एंड मैं हर जगह जा रही थी, हर जगह पूरा एकदम एक्चुअल में नर्वसनेस हो रही थी मेरे को कि अनीता आप इस जगह तक पहुंच गए हो और आपकी लाइफ में आप कुछ अचीव कर रहे हो अभी ऐसे करके। एंड 22 और 23 मार्च को मैं क्रिस्टल सरोवर होटल में अल्टीमेट अचीवर्स का मेरे को मीटिंग अटेंड करने का मौका मिला मेरे को। एंड वैसे ही मैं दोबारा रमाडा होटल में गई थी तो ये वहाँ पे 23 से लेकर 28 तक मैंने वहाँ पे मीटिंग्स अटेंड की। इस मीटिंग को एक्चुअल में मैं हर जगह अटेंड इसलिए करी ताकि मैं इस बिजनेस पे सीख सकूँ, मैं नहीं हूँ एंड उस बिजनेस को जितना सीख सकती हूँ, जितना डेडिकेट रह सकती हूँ उसमें उतना मैं अपने आप को इसके अंदर डाल रही हूँ मैं। एंड मैंने जैसे कहा था मुझे ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है एंड लड़कियों को हमेशा बोला जाता है लड़कियाँ ट्रैवल ही नहीं कर सकती हैं एंड लड़कियाँ कर ही नहीं सकती हैं, तो उन मैं हमेशा अपने आप से बोलती हूँ कि अनीता आपको इतना ट्रैवल करना है कि हर कोई देख के हैरान रह जाए कि कोई लड़की इतना ट्रैवल कर कैसे सकती है बिना डर के। तो उसी ट्रैवलिंग के दौरान मुझे सिटी ऑफ टेंपल जम्मू जाने का मौका मिला एंड 9 से 11 अप्रैल तक मैं जम्मू में रही थी एंड उसके बाद मुझे बैंगलोर में लॉन्च यूज करने का मौका मिला। ये भी मेरे लिए पहली एक्सपीरियंस थी क्योंकि जब एरोप्लेन या एयरपोर्ट में मैं गई ही नहीं थी तो मुझे लॉन्च यूज करने का तो कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता एंड यहाँ पे मुझे जाके लॉन्च यूज करने का मौका मिला। और कहते हैं ना फ्री में खाना खाना, तो मेरे को वहाँ पे जाके फ्री में खाना खाने का मौका मिला था एंड ये सब मुझे सिस्टम और सेफ शॉप की वजह से हुआ और मेरे ग्रेट अपलाइन नरसिंह गिरीवाल सर की मदद से मिला मेरे को। एंड हर जगह जाती हूँ तो लोग हमें इस तरीके से वेलकम करते हैं कि ना हर बार मेरे अंदर डाउट आता है कि अनीता आपने अपनी लाइफ में ऐसा क्या कर दिया है कि जो आपको हर कोई जब भी एयरपोर्ट पे आ रहे तो इतने लोग आपको रिसीव करने के लिए आ रहे हैं एंड वो क्या चीज थी मैं बताती हूँ। ये कैलकटा में जब हम लोग गए थे तो मेरे को जब पूरी तरीके से हिला के रख दिया बोलते हैं ना, वो वेलकम कैलकटा में हुआ था मेरा। एंड जब मैं नरसिंह गिरीवाल सर के साथ एयरपोर्ट से जब निकल रही थी तो वहां पे जो हमें कार रिसीव करने के लिए आई थी
उस कार की, ऑडी की टॉप मॉडल कार थी जिसकी कीमत 1 करोड़ 70 लाख की कार थी। एंड वहां पे जितने लोग हमारा वेलकम करने के लिए खड़े हुए थे और जिस तरीके से वो लोग खड़े हुए थे ना, मुझे 1 मिनट के लिए ऐसे लगा कि सेलिब्रिटी हूं मैं, क्योंकि सेलिब्रिटी लोगों को देखने के लिए हमेशा उनके फैंस आगे पीछे ऐसे खड़े रहते थे। तो मेरे को लगा कि अनीता आपने अपनी लाइफ में ऐसा कौन सा डिसीजन ले लिया जिसको आप आज आपको ये मान सम्मान दिया जा रहा है। तो मुझे पता चला कि मेरे पापा ने जो सेफ शॉप में ज्वाइन करने का एक डिसीजन लिया था, उस डिसीजन ने आज मुझे ये मान सम्मान दिलाया है मेरे पापा के नहीं होने के बावजूद भी। एंड ऐसी टीम में हर जगह जा रही हूँ मैं, अपनी टेस्टिमनी दे रही हूँ, क्योंकि ये कितना बड़ा लाइव एग्जाम्पल है जो लोगों को मिलना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए कि ये कितने लोग आज भी उनके पास, उनको मौका चाहिए होता है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। और मुझे वो मौका मिला है, और वो भी सेकेंड जनरेशन, जहाँ पे लोगों को डाउट होता है कि ये सिर्फ बोलने के लिए होगा करके, तो ये उसका लाइव एग्जाम्पल है ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे। तो जयपुर में हमें टीम रिसीव करने के लिए आई थी, और मैं जिस होटल में रुकी थी ये उस होटल की पिक है, रॉयल ऑर्किड करके। एंड मुझे वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने का मौका मिला, हेल्दी ब्रेकफास्ट करने का मौका मिला। एंड बागडोगरा में मैं गई थी तो वहाँ पे भी टीम हमारा वेलकम करने के लिए आई थी, क्योंकि वहाँ पे लेडीज की बहुत बड़ी टीम थी। कि मैं चाह रही थी कि हर जगह वहाँ पे जाऊँ जहाँ पे लेडीज जितनी भी हैं उनको एक, कोई भी एक लड़की या कोई भी एक लेडी मोटिवेट हो जाए कि हाँ इसमें कोई भी लड़की या कोई भी लेडी अपनी लाइफ को चेंज कर सकती है अगर वो एक बार डिसाइड कर ले। तो उस ड्रीम को लेकर के मैं हर जगह जाती हूँ, और वैसे ही ड्रीम को लेकर के मैं बागडोगरा भी गई थी। एंड जिस होटल में स्टे किया था ये वहाँ की फोटोग्राफ्स हैं। एंड अपनी लाइफ को फुलेस्ट तरीके से एंजॉय करते हैं, जैसे हमने सुना है ना, उस तरीके से मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ, इसको सीख रही हूँ, समझ रही हूँ कि सिस्टम में कितनी बड़ी पावर है जो लोगों की जिंदगी बदल सकती है। एंड मैं टी बागान गई, एक्चुअल में ये सब मैंने मूवीज में देखा था, तो मूवीज में देखने के बावजूद जब मैं वहां से निकली तो मुझे भी लगा कि हाँ अनीता आपको ये लाइफ में मिला है, आपको इसको एंजॉय करना चाहिए। तो वहां पे जाके मैंने अपनी एक स्लो मोशन वीडियो भी बनाई। तो वहां पे ये मुझे लगा कि सेफ शॉप ने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, तो वहां पे मुझे हीरोइन बनने का मौका भी मिल रहा है, तो हीरोइन भी बन जाती हूँ करके। तो मैं वहां पे हीरोइन बन गई थी एक्चुअल में, अपनी स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड करवाई वहाँ पे मैंने। एंड दुर्गापुर मुझे जाने का मौका मिला था, एंड वहाँ पे भी मैं अपनी टेस्टिमनी दे रही हूँ। फिर ऐसे ही ट्रैवलिंग में मैं कानपुर जाने का मौका मिला, तो ऑल ओवर इंडिया घूम रही हूँ मैं आज। एंड ऑल ओवर इंडिया जो मैंने अपने ड्रीम में कभी लिखा था, वो ड्रीम ऐसा नहीं है कि सेफ शॉप में आने के बाद मैंने लिखा था। जब से मैं स्कूल डेज में, मुझे पता नहीं था कि मेरे ड्रीम कैसे कंप्लीट होंगे, लेकिन स्कूल डेज से इतने बड़े बड़े ड्रीम लिख रखे थे मैंने, और मुझे पता भी नहीं था कि वो कैसे कंप्लीट होंगे, लेकिन सेफ शॉप ने मेरे इतने स्ट्रांग ड्रीम थे कि मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि आज मैं ऑल ओवर इंडिया घूम रही हूँ। ये मुझे कानपुर जाने का मौका मिला था, वहाँ पे हमें टीम ऐसे रिसीव कर रही है, और कानपुर होटल में, जिस होटल में स्टे किया था। एंड उसी दौरान मुझे फतेहपुर जाने का मौका मिला टेस्टिमनी देने के लिए कि इसमें कितनी बड़ी लाइव अपॉर्चुनिटी है आपके पास। एंड मुझे नागपुर जाने का मौका मिला, एंड नागपुर जाने पे जिस होटल में स्टे किया था ये वहाँ की फोटोग्राफ्स हैं। तो अपनी लाइफ में मैं जयपुर जाने का मुझे दोबारा मौका मिला था एक्चुअल में। इस टाइम पे मेरे को ना एक्चुअल में जयपुर में बहुत सारी घूमने की जगह मुझे पता नहीं थी, और मैं जिस सिस्टम को, जिस तरीके से मैंने अपने आप को डेडिकेट किया है, मुझे ना सिस्टम में घूमने में, या मुझे ऐसे कभी भी फील नहीं होता कि आप अनीता इतना घूम क्यों रहे हो, इतना बर्डन क्यों ले रहे हो, आपके घर में पैसे आ रहे हैं उसको खा करके चुपचाप घर पे रहो। क्योंकि मेरे ड्रीम्स जितने बड़े डेवलप किए हैं सेफ शॉप ने, उतने बड़े ड्रीम्स मैं उसको कंप्लीट करना चाहती हूँ। उस खुशी के लिए मैं जितना भागती हूँ मुझे कम लगता है। एंड उस चीज के लिए मैं जयपुर पहली बार गई थी, तो वहां पे एक दिन पूरा घुमाने के लिए BMW में मैं घूम रही थी। इसके लिए मैं स्पेशली ताराचंद वर्मा सर को बहुत थैंक्स पे करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने अपना स्पेशल एक डे पूरा हमें दिया था और BMW कार में पूरा घुमाया था। इवन घूमने के लिए भी आज मैं BMW कार में घूम रही हूँ। एंड ये अमेर किला है जहाँ पे हम लोग गए थे, तो यहाँ की पूरी हिस्ट्री उन्होंने बताई कि वहाँ पे लोग कैसे कैसे उस महल को बनाया, उसकी पूरी हिस्ट्री हमें बताई गई। तो इस फोटो को जिस तरीके से लिया गया था, अगर मैं कभी वहाँ पे जाती तो मैं कभी सोच भी नहीं पाती किस तरीके से भी फोटोग्राफ्स ली जा सकती है। एक शीश महल करके उस जगह पे था, तो
एंड वो उन्होंने मुझे खड़ा कहीं और किया था, फोटोग्राफ्स कहीं और से ले रहे थे, कैमरे का लोकेशन कहीं और था, और उस चीज ने मेरे को हैरान कर दिया कि फोटो ऐसे भी ली जा सकती है करके। तो जिस तरीके से सेफ शॉप ने मुझे हीरोइन बनाया, वैसे आज सेफ शॉप ने मुझे तोप भी चलाना सिखा दिया, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस इतना ला दिया कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत शानदार तरीके से जी सकते हैं। ये मुझे जलमहल जाने का मौका मिला था, तो अंदर जाने का मौका नहीं मिला तो मैंने बाहर से फोटोग्राफ खिंचवा ली एंड ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन के मैं फोटो खिंचवा रही हूँ। एंड हवा महल ये मैंने अपने अपनी मेरी एक ड्रीम बुक है, उस ड्रीम बुक में मैंने हर एक जगह की फोटोग्राफ लगा रखी है, तो हवा महल का भी मैंने फोटोग्राफ लगा रखा था, तो मेरे को जाने का मौका मिलेगा ऐसा पता नहीं था, लेकिन उस दौरान मुझे जाने का मौका भी मिला तो मैंने फोटोग्राफ क्लिक करवा ली। और ये सबसे बड़ी एक्चुअली में ये मेरा ड्रीम कभी नहीं था कि मैं कभी एलिफेंट की सवारी करूंगी, लेकिन मेरे ग्रेट अपलाइन नरसिंह गिरीवाल सर के माध्यम से हाथी की सवारी करने का भी मौका मिला मुझे। एंड इसकी एक बहुत बड़ी स्टोरी है कि हमारे साउथ साइड में माना जाता है कि ना जब भी हाथी वगैरह जेन्युइनली जिसको दिल से गॉड मानते हैं उन्हीं को एक्चुअल में क्या कहते हैं सलामी देते हैं। तो जैसे ही सर हाथी पे बैठे थे तो हाथी ने अपनी एक पोजिशन ली, उसके बाद सर को सबसे पहले सलाम किया एंड फिर उसने चलना शुरू किया। तब मुझे पता चला कि सर जिस तरीके से लोगों के दिल में बसते हैं वो लोगों के नहीं इनके दिल में भी बसते हैं, तब वहां पे मुझे पता चला था। ऐसे करके मुझे कई सारी जगह जाने का मौका मिला, आगरा में दोबारा जाने का मौका मिला जहाँ पे मैं बचपन में रही थी, वहाँ की मेमोरीज मेरे को बिल्कुल मैं बचपन में कुछ भी याद नहीं थी। और मेरे पापा जब प्लान दिखाने के बाद रात को 12-12 बजे घर आते थे, उनकी नाक से ब्लीडिंग होती थी सर्दियों में जब वो बाहर होते थे, एंड प्लान दिखा के जब आते थे उनकी नाक से ब्लीडिंग होती थी, हमें पता नहीं था कि वो किस कारण से हो रहा है और वो क्या कर रहे हैं इसका भी आइडिया नहीं था। उसी आगरा में हमें दोबारा जाने का मौका मिला 18 साल बाद, एंड वहाँ पे इतने बड़े टीम के साथ मैं टेस्टिमनी दे रही हूँ, ये जानने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई थी कि इतने सारे लोगों को इसमें बिलीव होगा कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड औरंगाबाद जाने का मुझे मौका मिला, एंड औरंगाबाद में जिस होटल में हमने स्टे किया था ये वहाँ की फोटोग्राफ्स है। तो हर जगह मैं ऐसे कर रही हूँ कि जो ना कभी सपने में भी नहीं सोचते हैं कि हाँ ऐसा मौका आपको कभी मिलेगा, तो वो जगह पूरी लाइफ अपनी एंजॉय कर रही हूँ। एंड ऐसे ही लीला में दोबारा जाने का मौका मिला, तो वहाँ पे अल्टीमेट अचीवर्स बाकायदा हमें वेलकम कर रही है, जिन लेजेंड्स को मैंने यूट्यूब पे देख के सीखा था वो वेलकम के लिए खड़ी है, तो ऐसा देखने के पर सबसे ज्यादा खुशी हुई थी मेरे को। एंड वहाँ पे लीला में ब्रेकफास्ट किया हमने, एंड वेलकम में दोबारा मैंने स्टे किया, एंड लखनऊ जाने का मौका मिला मेरे को, तो लखनऊ एयरपोर्ट पे ये फोटोग्राफ्स हैं। तो अपनी लाइफ में मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ, मेरे पापा ने जो हमें अपॉर्चुनिटी दी है उस अपॉर्चुनिटी को मैं जितना अच्छे से यूज़ करूँ वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी, और उसको मैं बकायदा यूज़ कर रही हूँ। एंड ये वेलकम किया गया था हमारा लखनऊ में, एंड कानपुर में शॉपिंग मॉल जाने का मौका मिला, एंड शॉपिंग मॉल में भी मैंने ये डिसाइड किया था कभी शॉपिंग नहीं करूंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा शॉपिंग मैंने वहीं पे की थी, क्योंकि हम लोग जब शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो हमें पता है वहाँ के रेट्स कितने हाई होते हैं, एंड जब मैंने वहाँ पे एंटर किया तो मेरे को इतनी सारी शॉपिंग की, एंड मुझे इस बात का बिल्कुल भी ये नहीं था कि हाँ अनिता आप ये रेट को देख करके इसको रख के आ जाओ, ऐसा नहीं था, हर जगह जा रही थी मैं वहाँ पे। एंड अमृतसर जाने का मौका मिला मुझे वहाँ पे, एंड वहाँ पे जाके मैंने भगवान से बहुत सारा थैंक्स पे किया कि आज मैं जहाँ पे भी हूँ और जिस भी पोजीशन पे हूँ उसके लिए गॉड को मैं आज भी बहुत थैंकफुल पे करती हूँ। एंड ये ड्रीम भी कंप्लीट करवाने के लिए मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर नरसिंह गिरीवाल सर को मैं बहुत थैंक्स पे करना चाहूंगी। एंड हम लोग अमृतसर में हयात होटल में रुके हुए थे और देवेंद्र शर्मा सर ने हमें वहाँ पे टेस्टिमनी देने के लिए रमाडा में बुलाया था, अमृतसर के रमाडा में। एंड सर ने मुझे एक बात कही थी, मेरे ग्रेट अपलाइन नरसिंह गिरीवाल सर ने मुझे हमेशा एक बात कही थी कि आप जितने लोगों के बीच में जा रहे हैं अगर आपको कोई दोबारा बुलाता है तो आपकी आवाज़ लोगों तक पहुंच रही है और लोग आपकी सच्चाई को समझ रहे हैं। तो मुझे इस बात का तब विश्वास नहीं हुआ था, जब देवेंद्र शर्मा सर ने जब मुझे दोबारा बुलाया तो मुझे लगा कि हाँ अनिता आप जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, एंड आपकी वजह से कई सारे लोगों की लाइफ आज चेंज हो रही है।
एंड ये पाम रिजॉर्ट में हम लोग रुके हुए थे दिशा बैचेस के लिए, तो वहां पे मैं अपनी लाइफ को हर जगह घूम घूम के एंजॉय कर रही हूँ। मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं आज वो सारी जॉब करती हैं, एंड आज भी उनकी लाइफ है। मेरी एक फ्रेंड है जो पिछले 5 साल से जॉब कर रही है, TCS में जॉब कर रही है, उसकी सैलरी आज भी 22,000 है, एंड वो आज भी सुबह से लेके शाम तक पूरा लैपटॉप में लगी रहती है और वो अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं दे पाती है, अपनी लाइफ में कभी भी एंजॉय नहीं कर पा रही है। और मैं आज अपनी लाइफ को, तो मैंने अपनी ड्रीम को अपना पैशन बना लिया। घूमना मेरा ड्रीम है, बोलना मेरा ड्रीम था, उस सबको मैंने पैशन बना लिया, इसलिए इस काम को करते हुए मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती है, और उसको जितनी खुशी से मैं करती हूँ ना, तो मुझे इतनी मतलब मैं उसको बोल भी नहीं पा रही हूँ, मेरे पास वर्ड नहीं है एग्जैक्टली कि मैं उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करूँ। एंड टैग रिजॉर्ट में मैं टेस्टिमनी देने के लिए गई, तो वहाँ पे भी हमारा वेलकम हो रहा है, एंड पाम रिजॉर्ट में मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। तो 16 से 21 जून को मैं वहाँ पे रुकी थी, तो हर डेट के साथ मैंने वो जगह की पिक डाली है जहाँ पे मैं स्टे किया था, एंड यहाँ पे मैं स्टे किया था, एंड वाइल्ड एक्सोटिका में वहाँ पे भी लाइफ टेस्टिमनी देने के लिए गई थी मैं। एंड नैनीताल का ड्रीम मेरे को कभी नहीं था, और कहते हैं ना हमारे अपलाइन हमेशा हमारे ड्रीम जगाते हैं, जो रियल ड्रीम हमको हमेशा काम करने में हमेशा सपोर्ट करे, तो वैसे ही मेरे अपलाइन मिस्टर नरसिंह गिरेवाल सर ने मेरे ड्रीम जगाए थे। उन्होंने अपने नैनीताल में बोटिंग करते हुए अपनी एक फोटो क्लिक करके भेजी थी मेरे को, तो जब मैंने बोला कि ये जगह कौन सी है, इस जगह के बारे में मुझे कभी पता ही नहीं था करके, तो उस चीज को मैंने ऑब्जर्व किया और मैंने बोला कि हाँ अनीता मुझे भी नैनीताल जाना है, आपको घूम के आना है। उसके 1 महीने बाद मैं नैनीताल गई थी, और वो ड्रीम मेरे ग्रेट अपलाइन सर ने जगाया था, एंड नैनीताल में मैं बकायदा बोटिंग कर रही हूँ, वहां पे मैंने इंटरव्यू दिया। अनिता मैम, आज नैनीताल झील में जो बोटिंग करने का जो आज किस तरह से फील करेंगे आप, थोड़ा किस तरह फील कर रहे हैं हम लोग थोड़ा जानना चाहेंगे, बताइए ना प्लीज। तो वहां पे भी मैं जा करके जो ड्रीम मैंने 1 महीने पहले देखा देखा था, और उस ड्रीम को कंप्लीट होने में ज्यादा वक्त ही नहीं लिया, एंड उस ड्रीम को फिर वहां पे नीचे बोटिंग था, ऊपर नैनी माँ का मंदिर था, एंड नैनी माँ के मंदिर में जाके मैंने सुना था कि वो शक्ति पीठ है करके, इस सब के बारे में मुझे कभी पता भी नहीं था, क्योंकि आज तक मैं किसी भी शक्ति पीठ पे नहीं गई हूँ। फिर सर से मैंने पूछा कि सर ऐसे शक्ति पीठ क्या होता है, तो सर ने बोला, उसकी पूरी स्टोरी बताई उन्होंने, और वहां पे जाके मैंने प्रे किया कि हाँ भगवान आज आज मैं आपके दरबार में खड़ी हूँ, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, और मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर नरसिंह गिरीवाल सर की वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, एंड मैं अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा खुश हूँ, और वो खुशी आप बकायदा मेरे चेहरे पे देख पाएंगे कि आज मैं अपनी लाइफ को किस तरीके से एंजॉय कर रही हूँ। एंड पाम रिजॉर्ट में दिशा वर्कशॉप था, तो वहाँ पे जितने भी बैचेज आए थे उनको मैंने लाइव टेस्टिमनी दी, एंड टैग रिजॉर्ट में दोबारा जाने का मौका मिला मुझे, एंड वहाँ पे हर एक जगह पे जाके मैं अपनी फोटोग्राफ्स क्लिक करवा रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए ऑल ओवर इंडिया घूमना भी एक बहुत बड़ा ड्रीम है, क्योंकि हर कोई ऑल ओवर, अगर मैं आज तमिलनाडु के एक स्टेट में रहती हूँ एंड उस एरिया से लेकर के अगर मुझे ऑल ओवर इंडिया घूमना हो, तो मैं अपनी जगह से कभी बाहर निकल ही नहीं पाऊंगी, और कभी सोच भी नहीं पाऊंगी, अगर सोचने भी आएगा कि हाँ यहाँ जाना है, तो मेरे जो माइंड में आएगा कि अरे छोड़ो क्यों जाना, अभी बाहर रुक जाओ, लेकिन आज सिस्टम ने मुझे इतनी पावर दी, इतना बड़ा विजन दिया कि मैं आज जो सोचती हूँ उस जगह पे आज अपने आप को पाती हूँ। एंड ये रिसॉर्ट में वहाँ पे स्टे किया था, एंड जून में हमने टैग रिसॉर्ट में टेस्टिमनी दिया था, एंड ग्रैंड रिसॉर्ट में टेस्टिमनी के लिए मुझे योगेश यादव सर ने वहाँ पे बुलाया था, तो मेरी अब तक की सबसे बड़ी दिशा बैच थी वहाँ पे जिनके सामने मैं टेस्टिमनी दे रही थी, एंड वहाँ पे 300 लोग थे दिशा बैच में, उनके सामने मैंने टेस्टिमनी दी, एंड मेरी बात को सुन के बहुत लोग रोने लगे थे, एंड मेरे पापा जब एक्सपायर हुए थे, तो मैं अपने पापा के एक्सपायर होने के बाद मेरे आंख से एक भी बार आंसू नहीं निकला था, तो मैंने जब लोगों को रोते हुए देखा था, क्योंकि मुझे अपने आप को स्ट्रांग रखना था, आज भी मैं अपने पापा को लेके कभी नहीं रोती हूँ, और जितना रोती हूँ मैं अपने फैमिली को दिखाती नहीं हूँ, कभी किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करती हूँ। जब वहां पे जितने लोग रोए थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि लोग रो क्यों रहे हैं करके, तब मेरे को योगेश यादव सर ने बताया आपकी जो टेस्टिमनी है लोगों तक पहुंच रही है, और इसमें कितनी बड़ी सच्चाई है, जो लोगों को बिलीव चाहिए होता है कि हाँ इसमें हम अपना फ्यूचर है,
और सारे लोग अपने ड्रीम कंप्लीट कर पाएंगे, वो लोगों को समझ में आ रही है। आज आपके पापा नहीं है लेकिन उनके नहीं होने के बावजूद भी आप अपने ड्रीम कंप्लीट कर रहे हैं, अपनी फैमिली की ड्रीम कंप्लीट करवा पा रहे हैं, आप लोगों के सामने जाके आपको मान सम्मान दिया जा रहा है, आज आपका स्टेज पे खड़े होके आप बोल पा रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया घूम रहे हैं। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हर किसी को मिलता नहीं है और आज आपको सेफ शॉप के माध्यम से वो प्लेटफॉर्म मिला है। तो ये चीज सुन के मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई थी और बहुत ज्यादा कि लोग तक मेरी बात पहुंच रही है। और वहां पे मैं लोगों को रो रहे थे, मैं एक्चुअली में उनको सामने जा करके उनको बोल रही थी कि हाँ मत रो, ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनको अपना विजन दिख रहा था वहां पे जो मेरे साथ हो रहा है। तो ऐसे ही मैं आज लोगों तक बोल पहुंच के उन तक अपनी आवाज पहुंचा रही हूँ। एंड पुष्प विला में आगरा में मुझे दोबारा अपनी टेस्टिमनी जाने देने का मौका मिला, एंड रमाड़ा होटल में दोबारा नवल सर की वहाँ पे LDP थी, वहाँ पे जाने का मौका मिला तो उन्होंने हमारा वेलकम किया था वहाँ पे। एंड विकास यादव सर से बकायदा उनके साथ बैठ के एक लंच करने का मौका मिला जो हर किसी के ड्रीम में होता है, एंड उनके साथ पुल मैन में वो भी 5-स्टार+ कैटेगरी में बैठ के मैं लंच कर रही हूँ, जो कभी मैंने सोचा ही नहीं था, क्योंकि इनके वीडियोस देख के इनका डेडिकेशन अपने सिस्टम को लेके अपने अपलाइन को लेकर के जो देखा था सीखने का मौका मिला, लेकिन उन्हीं के साथ बैठ के मैं लंच करूंगी ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था मैंने। एंड ये सब सिस्टम और सेफ शॉप और मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर नरसिंह गिरेवाल सर की वजह से हुआ है। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने मेरे इतने सारे ड्रीम कम्प्लीट करवा रहे हो और मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट अब तक का है ये, ताल कटोरा स्टेडियम में जहाँ पे 4 डायमंड एक साथ बने थे वहां पे मुझे 4,000 लोगों के सामने बोलने का मौका मिला, एंड जहाँ पे सर ने मुझे वहां से आने के बाद बताया था कि ताल कटोरा स्टेडियम में सर सबसे ज्यादा टाइम मुझे बोलने का मौका मिला था और ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है, और 4,000 लोग मुझे वहां पे सुन रहे थे, 4,000 लोगों के विजन को मैं चेंज करने के लिए वहां पे खड़ी थी और ये वहां पे मुझे वेलकम के लिए बुलाया था। अनीता की बेटी अनीता अर्दनान वेलकम होता है। तो अभी भी न्यू डायमंड्स हमारी टीम में और कई सारे डायमंड बन रहे हैं, असीम सर एंड प्रशांत सतपथी सर जो 21 अगस्त को टाटा नगर में डायमंड फंक्शन है, ये दो ब्रदर्स एक साथ डायमंड बन रहे हैं, तो डायमंडों की पूरी झड़ी लग रही है जैसे बोलते हैं ना, तो वैसे हो रहा है मेरे साथ। एंड यहाँ पे बहुत बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट था मेरे लिए, एंड जब स्टेडियम में मैं बोल रही थी ना मेरे को नर्वसनेस बिल्कुल नहीं हो रहा था, एंड बस खुशी थी मेरी आंखों में जो मैं वहां पे बोल ही नहीं पा रही थी, एंड इतनी खुशी हो रही थी क्योंकि 4,000 लोगों के सामने बोलना बहुत बड़ी बात होती है और ये मौका मुझे मिला। एंड ऐसे ही दिल्ली में दोबारा हमें वेलकम होटल में स्टे किया था, वहाँ पे डायमंड्स एंड फैमिलीज के साथ मुझे लंच डिनर करने का मौका मिला, एंड दिल्ली हार्ट में PR चौधरी सर की एक मीटिंग थी तो वहाँ पे मुझे अपनी टेस्टिमनी देने का मौका मिला। तो राइजिंग स्टार टीम में मैं गई थी तो ये वहाँ पे स्टेज में मैं बोल रही हूँ, वहाँ पे भी मेरा वेलकम किया जा रहा है, एंड पुल मैन में PR चौधरी सर ने अपनी टीम की काउंसलिंग रखवाई थी तो वहाँ पे भी मुझे जाने का मौका मिला। तो हर जगह मैं अपनी लाइफ में लोगों तक अपना जितना टाइम दे सकती हूँ, मैंने खुद से बहुत स्ट्रांग कमिटमेंट कर रखा है, अपनी टीम में मैं इतना टाइम दूंगी कि हर एक मीटिंग में अनीता अवेलेबल होगी, मैं ऐसा कभी नहीं होगा कि हाँ अनीता ने बोल लिया वहां पे नहीं जाना है, जहां जहां नरसिंह गिरेवाल सर होंगे वहां पे आपको बुलाने की भी जरूरत नहीं होगी, वहां पे अनीता बकायदा हर जगह मौजूद होगी, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इतना बड़ा स्ट्रांग कमिटमेंट कर रखा और उसके लिए मेरी फैमिली सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है मेरे लिए। तो यहाँ पे मुझे भोपाल और हरदा में जाने का मौका मिला था तो वहाँ पे भी टीम हमारा वेलकम कर रही है, तो एयरपोर्ट का फोटोग्राफ है ये, तो वहाँ पे भी मैं हर जगह हर एयरपोर्ट में जाकर के अपनी फोटोग्राफ क्लिक करवा रही हूँ। अहमदाबाद जाने का मौका मिला मुझे तो वहाँ पे अहमदाबाद भी हमारा टीम वेलकम कर रही है, तो एंड दोबारा पुल मैन में दोबारा जाने का मौका मिला, वहाँ पे काउंसलिंग की तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रही हूँ मैं, आजकल 5-स्टार होटल्स में ब्रेकफास्ट कर रही हूँ जिसका लोग हमेशा सपना देखते हैं, वो सपने मेरे पूरे हो रहे हैं। एंड वहाँ पे दोबारा पुलमैन में सुनहरी लाल सर ने काउंसलिंग रखवाई थी अपनी टीम की तो वहाँ
मुझे जाने का मौका मिला दोबारा, एंड कोलकाता में ताज होटल में मुझे ठहरने का मौका मिला, एंड ताज होटल में मैं डिनर कर रही हूँ, एंड खुश हूँ बकायदा अपनी लाइफ से, बहुत खुश हूँ, एंड इतना खुश हूँ कि मेरे एक एक ड्रीम कंप्लीट हो रहे हैं, जो मैंने कभी भी कंप्लीट नहीं होंगे करके सोच के रखा था वो पूरे कंप्लीट होते जा रहे हैं क्योंकि सिस्टम और सेफ शॉप की वजह से। एंड यहाँ पे एनसी विश्वास सर ने ताज बंगाल में अपनी टीम की काउंसलिंग करवाई थी, वहाँ की फोटोग्राफ्स हैं, एंड आज मैं पूरा इंडिया घूम रही हूँ। एंड कंपनी को 24 जून 2022 को मुझे एक मेल मिला था कि मेरे कुछ टूर पेंडिंग हैं, एंड उसके लिए मैंने एक डायलॉग लिखा था, अभी तो मैंने नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी मैंने घूमे हैं कुछ इंडिया के मुख्य शहर, लेकिन 3 बार यूरोप और 1 बार यूएसए जाना बाकी है। तो ये चीज, अभी मैं इंडिया घूम रही हूँ और अभी इतने सारे मेरे फॉरेन टूर्स पेंडिंग है, तो जहाँ फॉरेन जाने का भी मेरा सपना था, वो सपना भी शेप शॉप की वजह से आज कंप्लीट हो रहा। एंड ये मेरे फादर ने दी थी क्राउन की आईडी हमको, एंड इसको मैं क्राउन एम्बेसडर तक लेके जाऊंगी, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक लेके जाऊंगी। एंड आज रियल फैक्ट बताऊं तो क्राउन लेवल जो है, यहाँ पे आज पैनल पे जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी यूथ जनरेशन है, मेरे पापा ने हमें आज एक क्राउन की आईडी दी है। एंड अगर यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी यूथ जनरेशन, वो अपनी लाइफ में अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहते हैं, जितने भी पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज की सोसाइटी में एजुकेशनल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशनल नॉलेज से बच्चों को ना स्ट्रेंथ मिलती है। लेकिन अगर आप उनके फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, उनके फ्यूचर में अगर आप उनको ऐसा डिसीजन देना चाहते हैं कि उनको कभी भी लाइफ में सोचने की जरूरत ना पड़े, जॉब ना ढूंढना पड़े, तो उन्हें क्राउन या यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर की आईडी दे करके जाए, ना कि सिल्वर या गोल्ड की, क्योंकि उस एक आईडी ने आज मुझे आपके सामने लाके बैठाया है। आज मैं हर जगह अपनी लाइफ टेस्टिमनी दे रही हूँ, आज मुझे किसी भी चीज को खरीदने या किसी भी चीज, किसी भी जगह जाने के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, तुरंत उस जगह पहुंच जाती हूँ, क्योंकि मेरे पापा ने सेफ शॉप करने का डिसीजन लिया था और क्राउन की आईडी मिली थी हमें। अगर मेरे पापा किसी भी पोजीशन पे होते, चाहे वो कर्नल पोजीशन पे होते या इंस्पेक्टर के डीएजी पोस्ट पे होते, किसी भी पोस्ट पे होते, अगर चाह के भी हमें वो पोस्ट देना चाहते तो नहीं दे पाते, मुझे बकायदा उस पोस्ट के लिए एग्जाम देना पड़ता, एग्जाम में मैं क्लियर करती तो मैं उस पोस्ट पे जाती, एंड नहीं क्लियर करती तो दोबारा लिखना पड़ता। लेकिन मेरे पापा ने क्राउन की आईडी देने की वजह से आज मैं जिस लेवल से शुरुआत कर रही हूँ वो है क्राउन लेवल से। तो ये सिर्फ सेफ शॉप दे सकता है और सिस्टम दे सकता है, एंड इसको मैं और आगे बढ़ा रही हूँ आज। और ये मेरे को, इस स्लाइड को मैंने बकायदा सर से लेकर के बनवाया, एडवाइस लेकर के बनवाया था, क्योंकि मुझे लगता है कि बकायदा मेरी लाइफ में हो रहा है, क्योंकि ये फादर हैं एंड एक मदर है, अगर इनकी लाइफ में एक बेबी है तो हर पेरेंट्स अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उन्हें पता है कि बच्चे को टाइम देना है, क्योंकि वो उसका फ्यूचर हम ही डिसाइड कर सकते हैं। तो ऐसे ही मेरे फादर एंड मदर ने हम दोनों बच्चों की जिम्मेदारी ली, कोई भी पेरेंट्स है उनके पास अगर एक बच्चा है, अगर दूसरा बच्चा भी आता है तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं पेरेंट्स, क्योंकि उन्हें पता है वो एक लाइफ है। तो मेरे फादर ने एक डिसीजन वहां पे लिया था, हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने जिस तरीके से ली, उन्होंने ऐसे ही सेफ शॉप को एज अ बेबी अडॉप्ट किया। कैसे अडॉप्ट किया, जैसा टाइम वो हमें देते थे थोड़ा थोड़ा टाइम, वो थोड़ा थोड़ा टाइम उन्होंने सेफ शॉप को देना शुरू किया, एंड जैसे वो हमारे लिए टाइम अलग करते थे वैसे उन्होंने ड्यूटी के बाद सेफ शॉप को टाइम देना शुरू किया, एंड वो थोड़ा थोड़ा टाइम इतना बड़ा टाइम बन गया और वो इतना बड़ा पेड़ बन गया है कि ये जो दो बच्चे हैं अपनी पूरी फैमिली को पाले ना पाले इसकी गारंटी नहीं है। अगर हम जॉब में भी चले जाते हैं अपनी फैमिली को पाल नहीं पाते, जो मेरी मम्मी को चाहिए होगा वो ड्रीम कंप्लीट नहीं करवा पाते। लेकिन जो थोड़ा टाइम मेरे पापा ने सेफ शॉप को दिया था एज अ चाइल्ड मान के, उसके बच्चे की तरह परवरिश की थी, जितने भी पेरेंट्स हैं आज सेफ शॉप को आप एज अ बच्चे की तरह अडॉप्ट करके परवरिश करेंगे, तो वो इतना बड़ा पेड़ बन गया है कि ये दो बच्चे अपनी फैमिली को नहीं पाल पाएंगे, लेकिन ये सेफ शॉप आज पूरी फैमिली को पाल रहा है, हेड ऑफ द फैमिली नहीं होने के बावजूद भी। और
इस सब के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि गॉड के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उन्होंने आज मुझे दी है और सेफ शॉप और सिस्टम की है, एंड मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर नरसिंह गिरेवाल सर को मैं बहुत थैंक्स पे करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच सर कि आपके एक प्लान ने, आपके एक फॉलोअप ने मेरे पापा की पूरी लाइफ चेंज कर दी और आपके एक मार्गदर्शन ने आज मेरी पूरी लाइफ को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। और आज भी आप मुझे गाइडेंस दे रहे हैं, आपने जो भी हमारी लाइफ में आज कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ सर आपकी। एंड आज मैंने जो चीजें आपके सामने रखी है, ये लाइवली बकायदा हमारी लाइफ में हुई है और मैं आज अपने